and welcome back to Vocamile. Hello everyone and welcome back to Vocamile. Hello everyone and welcome back to Vocamile with Rohini. Hello everyone and welcome back to Vocamile with Rohini. बहुत दिनों से सोच रही थी कि जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं सोशल मीडिया के या सेलिब्रिटीज़ हैं उनके लुक्स मैं आप लोगों के सामने रिक्रिएट करने के बाद में उनके फ़ोटोज़ रिक्रिएट करूं. तो फर्स्ट सेलिब्रिटी मैं बोल सकती हूँ या फर्स्ट एक्ट्रेस, शी इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, शी एक्ट्स ब्रिलियंटली, इज मिथिला पालकर. आप लोग सब लोग जानते होंगे कितनी स्वीट, कितनी क्यूट उनका चेहरा है और कितना अच्छा वो अदाकारा भी हैं. तो आज के इस वीडियो में मैं उनके ही लुक्स रिक्रिएट करने के बाद में उनके जो फोटोज़ हैं उनको रिक्रिएट करने वाली हूँ. गाइज, मेरा जो चैनल है उसमें स्पेशली मैं साड़ी ड्रेपिंग या साड़ी स्टाइलिंग दिखाती हूँ, इसीलिए जो फोटोज़ मैंने रिक्रिएट करे हैं वो इस बात को ध्यान रखते हुए करे हैं कि जो मिथिला पालकर के फ़ोटोज़ हैं साड़ी में, ताकि जो साड़ी है मेरा जो बेस है इस चैनल का वो भी बरकरार रहे. मिथिला पालकर के जो भी फ़ोटोग्राफ्स थे साड़ी में वो मैंने गूगल पे सर्च करे, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे फ़ोटोज़ मुझे दिखे. कुछ मैंने सिलेक्ट करे हैं और उनके बेसिस पे मैं ये फ़ोटोशूट करूँगी और लुक्स क्रिएट करूँगी. तो जो फ़ोटोग्राफ्स मैंने सिलेक्ट करे हैं वो ये हैं. कैसे होता है ये सब, चलो देखते हैं. बहुत सारी जद्दोजहद करने के बाद में बहुत सारे अच्छे फोटोग्राफ्स आए, बहुत सारे बुरे फोटोग्राफ्स के बाद में. तो यस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं करा है, क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस, इंटरेस्टिंग वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस, रिक्रिएशनल वीडियोस आप लोगों के लिए मैं लेके आती हूँ. और अगर ये वाला वीडियो भी पसंद आएगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना. चलो लेट्स स्टार्ट विद वीडियो. सो मिथिला का जो लुक क्रिएट करना था उसके लिए सबसे पहले तो मुझे कर्ली हेयर चाहिए थे, और कर्ल करे मैंने नेचुरल प्रोसेस से. तो मैं हमेशा ही इसी टेक्निक को अपनाती हूँ, यही मैंने किया. अपने गीले बालों के ऊपर मैंने इस तरीके से चोटी बांधी, एक 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 करके मैंने चोटी बांधी गई, जिससे मेरे जो बाल हैं वो कर्ल हो जाए विदाउट यूजिंग एनी हीट. एंड दैट वॉज द मेन थिंग दैट आई वॉज लुकिंग फॉर. सो दीज आर एक्चुअली डन नाउ. जटाएँ दिख रही हैं, मैं एकदम साधु बन गई हूँ. जैसे जैसे अगर आपके बाल सूखते जाएँ तो उनको गीला करते जाइएगा और फिर ब्रेड्स बनाइएगा, तो वो ज़्यादा अच्छे रहेंगे. गीले बालों में ही आपको ये ब्रेड्स बनाने हैं. तो एक दो घंटे बाद देखते हैं कैसा लगता है. सो यहाँ पे मैंने अपना मेकअप स्टार्ट कर दिया है, लेकिन ये जो वीडियो डे था वो दूसरा दिन था. मैंने अपनी चोटियाँ बनाई थी एक दिन पहले, और किसी कारण की वजह से मैं उसी दिन वीडियो नहीं शूट कर पा रही थी, इसीलिए मैंने दूसरे दिन वीडियो शूट करा है ये. और यहाँ पे मैंने अपने बाल पीछे बांध लिए हैं, बाल अभी खुले नहीं हैं. तो मेरा जब मेकअप हो जाएगा उसके बाद में मैं आपको दिखाऊँगी कि मेरे बाल कैसे आए हैं. लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर आपके बाल गीले हैं और उसी टाइम आप एक दो घंटे के बाद में अपने बाल खोलते हैं तो ज़्यादा इफेक्ट आता है. रात भर आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, अगर रखेंगे भी तो बार बार आपको बाल अपने गीले करके रखने पड़ेंगे, तभी आपको इफेक्ट अच्छे से आएगा. सो यहाँ पे मेरा बेस रेडी हो चुका है, और हल्का सा क्योंकि ह्यूमिडिटी काफ़ी है तो उसको हटाने के लिए मैंने पाउडर लगा लिया है. सो मिथिला की बहुत अच्छे से आईब्रोज बनी हुई हैं, तो मैंने एक कोम लिया और उससे मैं अपने आईब्रोज को थोड़ा सा कोम कर रही हूँ, शेप दे रही हूँ. और इसके बाद में अपने आईब्रोज डार्कन अप करने के लिए मैं, जो मेरा हमेशा का ही एक टिप है, ट्रिक है, जो मैंने स्पूली यूज़ करी है, वहीं पे मैं लगा लेती हूँ थोड़ा सा ब्लैक कलर का काजल, और उसको अपने जो आईब्रोज रहते हैं उसको मैं अच्छे से ब्रश अप कर लेती हूँ. सो बिफोर प्रोसीडिंग आई ऑल्सो थॉट ऑफ चेकिंग द पिक्चर वंस अगेन कि उसने क्या क्या ऑर्नमेंट्स डाले हैं, साड़ी कैसी है, मेकअप कैसा है, लिपस्टिक कैसा है. तो मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले तो अपनी जॉ लाइन को एकदम चिजल्ड, एकदम शार्प कट बनाया जाए, क्योंकि मिथिला का वैसा ही जॉ लाइन है. तो इसलिए मैंने कॉन्टोरिंग करी है अपने चीक्स पे और जॉ लाइन पे. तो कितना सक्सेसफुल होता है वो देखेंगे आप आगे. सो आई हैव ट्राइड माय बेस्ट. वैसे ही बहुत ज़्यादा चीक्स हैं और जॉ लाइन काफ़ी ब्रॉड है बाय नेचर ओनली. सो यस, जो मैंने यहाँ पे ट्राई आउट करा है टू ब्लेंड एवरीथिंग आउट एंड टू गेट दैट चिजल्ड लुक. तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत डिफरेंस पड़ा है पहले से और अभी में.
फ़ोटोग्राफ में ऐसे आई शेडो का कलर कुछ ऐसे समझ में आ नहीं रहा है, तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल सा एक ब्राउन आई शेडो ही लिया है और उसी को मैंने ब्लेंड करा है अच्छे से। सो रिसेंटली ही मैं ये शुगर का काजल यूज़ करने लगी हूँ और मुझे काफ़ी पसंद आया। एक अलग सा इसमें शिमर भी है, बहुत अच्छा दिखता है आपके आईज़ पे, तो ये मैंने लगा लिया है। सो नेक्स्ट क्लोजिंग द आई मेकअप विथ द टिंच ऑफ मस्कारा। मुझे हर फोटोज़ में रेड लिपस्टिक ही दिखी है, इसलिए मैंने यहाँ पे नायका की रेड लिपस्टिक ली है और इसके ऊपर मैं एक दूसरी भी लिपस्टिक लगाऊंगी ताकि सिमिलर मरूनिश टाइप का एक इफ़ेक्ट आ सके जो कि फर्स्ट पिक्चर में दिख रहा है। ओके सो एवरीथिंग इज़ डन, आई थिंक आई शुड ओपन माई हेयर नाउ, सो हियर वी गो। सो यहाँ पे मैंने आधे बाल खोल दिए हैं। लुक हाउ नाइस, हाउ नेचुरल दीज गर्ल्स आर लुकिंग। और इसके साथ में मैंने ग्रीन साड़ी, एकदम सिमिलर तो नहीं है लेकिन हाँ काफ़ी अच्छी साड़ी है जो कि ये जो पूरा मराठी गेटअप है उसके साथ बहुत अच्छा दिखेगा। तो चांद बिंदी प्लस मैंने यहाँ पे एक नथ लगा लिए जो कि महाराष्ट्र में यूजुअली पहनते हैं। एक और टिप दे देती हूँ आप लोगों को कि अगर आपको बालों को और ज़्यादा वॉल्यूम देना है तो अपने बालों में इस तरीके का ट्विज़र ब्रश अंदर की तरफ से बैक कॉम्बिंग करते हुए करिएगा तो आपके बालों में एक नेचुरल वॉल्यूम आ जाता है। सो यू कैन यूज़ दिस टेक्निक अगर आपके बाल थिन हैं और इस तरीके से आप अपने बालों को वॉल्यूम देना चाहते हैं। तो झूले पे फोटो है तो हियर इज़ माई झूला राइट नाउ, तो यहीं पे मैं फ़ोटो खींचने वाली हूँ। लेट्स सी हाउ द शॉट्स कम। सो सेल्फ पोर्ट्रेट्स के लिए सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे ट्राईपॉड सेट किया और देखा किस एंगल से मैं इस शॉट को ले सकती हूँ। तो जैसे यहाँ का ओरिजिनल पिक्चर है मिथिला का, तो एकदम ही स्ट्रेट लुक है, स्ट्रेट फेस है, स्ट्रेट फेस इन द सेंस एकदम स्ट्रेट एंगल पे लेंस आ रही है। तो बस वैसे ही मैंने अपने इन शॉट्स को लिया है, बहुत अच्छे पिक्चर्स आए हुए हैं तो एडिटिंग के बाद में आप लोगों को दिखेगा। सेकेंड फोटो के लिए जो मिथिला ने ज्वेलरी पहनी है वो सिल्वर ज्वेलरी है तो मैं भी वही पहन रही हूँ। मेरा सब कुछ रेडी है ऑलमोस्ट, ओनली प्रॉब्लम इज़ विथ द नोज़ पिन एंड मेरे पास में कोई ऐसी नोज़ पिन है नहीं, मैं कान का स्वाहा करना पड़ेगा। दिस वन ये टूटा हुआ एक इयररिंग था तो इसके ऊपर ये लगा हुआ था प्लक का, सो देख रहा है तो ऐसे प्लक मतलब फोल्ड कर दिया है और ये आएगा क्या पिक्चर बनाते तक तो आ ही जा भाई। ग्लू लगा दिया है, ये जो ग्लू है वो जो हम आई लैशेज लगाते हैं उसी का ग्लू है, तो हियर इट गोज लाइक दिस। मेरे ख्याल से चिपक जाना चाहिए। इट्स लुकिंग प्रिटी, नॉट बैड। आई चेंज द बैकग्राउंड हियर, आई एम गोइंग टू टेक दिस शॉट जस्ट बिकॉज बैकग्राउंड वैसे भी चेंज होने वाला है और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ठीक से आ जाएगा, जो लॉन्ग डिस्टेंस है पूरा हेड टू टो जो फोटो है वो आ जाएगी। सो यस हियर आई एम गोइंग टू शूट। सो मैंने यहाँ पे फ्रंट कैमरा ही ऑन रखा हुआ है और क्योंकि मुझे बैकग्राउंड चेंज करना है इसलिए मैं थोड़े अलग अलग एंगल्स से ले लूँगी, थोड़े से टॉप एंगल से, थोड़े से लोअर एंगल से, क्योंकि जो मिथिला का फ़ोटो है वो थोड़ा सा लोअर एंगल से है तो मैंने वैसे ही ट्राई आउट करा है, लेकिन बैकग्राउंड से मैच करने वाला ही मैं फ़ोटो लूँगी। दिस इज़ एक्चुअली वर्किंग फॉर शूट्स, फॉर फोटोज यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस हैक। मिथिला के इन पिक्चर्स को देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि जो मेकअप किया हुआ है मिथिला ने वो थोड़ा सा ग्लैमरस लुक में है, थोड़ा सा और बोल्डश लुक में है, इसलिए मैंने यहाँ पे हाइलाइटर लगा लिया है और उसके साथ में ही मैंने अपना रेड लिपस्टिक, मेरी फेवरेट शुगर की लिपस्टिक मैंने यूज़ करी है क्योंकि यहाँ पे एक रोज़ यूज़ किया है, एक फ्लावर यूज़ किया है जो रेड कलर का है तो उसी को ब्लेंड करते हुए मैंने रेड लिपस्टिक लगाई हुई है जो कि कुछ हद तक जो मिथिला का जो मेकअप है उससे मैच कर रहा है। सो फर्स्ट मिथिला का ये जो पिक्चर है वो मैं रिक्रिएट करूँगी, उसके लिए मैंने थोड़ा सा सेटिंग कर लिया है, मैं भी कर्टन्स के आगे आ चुकी हूँ और थोड़े डिफरेंस हैं कर्टन में लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे मैंने एक स्टूल लिया है जिसके ऊपर मैं बैठ के
फ़ोटो क्लिक करने वाली हूँ। थोड़ा सा जो शेडो है लाइट का वो मेरे फेस पे आ रहा है, यानी कि जो ओरिजिनल पिक्चर उसमें आ रहा है। उसके बाद में हम देखेंगे कि एडिटिंग के बाद में कितना हमने जस्टिफाई किया है इस परफेक्ट फ़ोटो को लाने के लिए। And again, I have chosen the same type of color that I got for the saree purpose. So hopefully this red or green ka combination bahut acha uth ke aayega. Let's check ki editing ke baad mein ye pictures kaise aate hain. Isi set ka jo second picture hai uske liye combining my face with the rose. कैसा लगा ये वाला वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। कैसे लगे ये फोटोग्राफ्स, आपको हेल्प मिली कि नहीं मिली ये भी बताइएगा। आई होप दैट यू हैव फाउंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल, ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। तो अगली वीडियो आने तक बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।